Emerald. हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग चैट बॉक्स में वालेकुम अस्सलाम लिखकर भेजेंगे। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे हैं और खूबसूरत ठंडी का मजा ले रहे हैं। खूब ठंड लग रही होगी। सुबह में उठना, अपना लेसन लेना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह आज हम आपके सामने और एक नई ड्राइंग लेकर आए हैं जो आप इजीली बना सकते हो, लेकिन उससे पहले हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आप उनको सवालात के जवाबात को हमें चैट बॉक्स में दीजिए। ओके बेटा, अब हम आपसे पूछते हैं। आपको अच्छी तरह परिंदों के नाम पता है, परिंदे पता है, परिंदे जिनके पर होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। अब हमें ये बताइए कि जो परिंदे होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, तो उनमें सब रंग बिरंगे कर होते हैं, तो उसमें काले कलर का परिंदा कौन सा होता है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बेटा, हम देखना चाहते हैं। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ब्लैक कलर का परिंदा कौन सा होता है? वेरी गुड, बोलिए बेटा, आवाज आ रही है ना? सलाम के जवाब के बाद हमने आपसे कुछ सवाल किया है बेटा, जल्दी बोलिए। हाँ, कौवा। वेरी गुड, कौवा होता है, क्रो होता है, बराबर, बिल्कुल सही। और उसके अलावा और कौन सा होता है? कोयल। शाबाश, वेरी गुड। हाँ अच्छा, व्हाइट कलर का कौन सा परिंदा होता है? व्हाइट। हाँ ब्लैक आपने बताया, कौवा, कोयल, वेरी गुड। हाँ व्हाइट बगुला, वेरी गुड। हंस, और वाह वेरी गुड, शाबाश। व्हाइट कौवा भी होता है। अच्छा कबूतर, माशाल्लाह, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप। मतलब आपको पता है, तमाम बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे बेटा कि आपको जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। वेरी गुड। अब हम आपसे एक तीसरा सवाल करते हैं कि ये दो कलर को मिला के कोई एक परिंदे का नाम बता सकते हो? कौन सा परिंदा है? जैसे ब्लैक और व्हाइट, यानी काला और सफेद, सिया और सफेद रंग के दोनों कलर को मिलाकर एक परिंदा, कोई परिंदा, वो कौन सा परिंदा है वो कोई बता सकता है? जल्दी बताइए अगर आपने देखा हो या आपको पता हो या आपके जहन में हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सालिया, वेरी गुड। सलवा, उन्होंने सही टाइप किए। पेंगुइन, वेरी गुड। जिहान, शाबाश। मैना भी, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ पेंगुइन, लेकिन पेंगुइन की स्पेलिंग ना कुछ बच्चों ने, जुनेरा, वेरी गुड जुनेरा, पेंगुइन सही लिखे। तो हम पेंगुइन की आज ड्राइंग बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से ड्राइंग रहेगी। आपको साथ में पेंसिल, रबर, फूड और कलर, कलर में स्पेशली, हाँ पेंगुइन की आपने तस्वीर भी भेज दी इरफान, शाबाश। अब उसको आपके लिए तस्वीर निकाल कर आपको रेडी रहना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं स्क्रीन पे। आप देखिए कि जो पेंगुइन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत परिंदा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसको परिंदा कहते हैं। लेकिन ये जो परिंदा है, ये परिंदा आसमान में नहीं उड़ता, बल्कि जो है ये बर्फानी इलाकों में रहता है, समुद्री परिंदा कहा जाता है। लेकिन इसमें उड़ने की सलाहियत नहीं होती। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये परिंदा, देखिए झुंड में रहते हैं। ये दो कलर में होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सिया और सफेद, सिया, सिया रंग के। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये पानी में है, ये आसमान में नहीं उड़ते, बल्कि ये पानी में गोता लगाते हैं और अपना शिकार करते हैं। पेंगुइन जो हो कहाँ पाया जाता है बेटा? ये पेंगुइन बर्रे आजम अंटार्कटिका, बर्रे आजम अंटार्कटिका में पाया जाता है, और इसकी जो है बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। इसको ठंड में रहने की, मतलब बर्फ के इलाकों में रहने की आदत है, साहिल समंदर पर रहते हैं। ये बहुत खूबसूरत जानवर होता है और खूबसूरती के साथ साथ ये बहुत मासूम दिखाई देता है, लोग उसे देख के पसंद करते हैं। इसको बहरी परिंदा भी कहते हैं, यानी समंदर की परिंदा, समंदर का परिंदा, समंदरी।
जो साहिल समंदर पर भी रहते। पेंगुइन हम इंग्लिश में कहते हैं लेकिन उर्दू में बहरी परिंदा। इसकी लंबाई 6 से 43 फीट होती है और ये पानी में एकदम आसानी से गोता लगाकर अपनी शिकार करता है, अपना शिकार करता है। और वहां शिकार में क्या लेता है, शिकार में ये मछलियां, केकड़े, ये सब खाते। उसके अलावा ये देखिए आप, इनकी जो किस्में होती है ना, ये 18 से 21 किस्म के पेंगुइन पाए जाते हैं। अब 18 से अब इतने सारे नहीं, लेकिन हम सब सब ज्यादातर एक जैसे दिखाई देते हैं तकरीबन। इनके कद थोड़े छोटे होते हैं और इनके जो पर होते हैं, देखा आपने पर, ये 18 किस्म की अलग अलग पेंगुइन है। ये देखिए पानी में जो है ये मछलियां पकड़ते हैं, और ये जो इनके पंख है वो कश्ती के चप्पू की तरह, पतवार की तरह होते हैं, जो पानी में तैरने में इन्हें मदद देते हैं। और इसी तरह से ये इस और बहुत ये जानवर ताकतवर होता है, लेकिन ये अपनी चोंच से ही अपना शिकार करता है और 30 मीटर की गहराई तक ये गोता लगा सकते हैं इजीली। और ज्यादातर ये आप साहिले समंदर पर इस तरह से झुंड में रहते हैं। ऐसे बहुत सी तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप देख के खुश होते हैं। इनकी उम्र जो होती है देखिए किस तरह चलते हैं, इनके चलने की स्टाइल देखिए, चाल देखिए किस तरह चलते हैं, ये एकदम खूबसूरत लगते हैं, लोग इनको देख के पसंद करते हैं कि ये हम इस तरह से दिखाई देते हैं। ये इनकी उम्र होती है, इनका वजन 30 से 40 किलोग्राम के आसपास होता है। ये चलते चलते कभी गिरते भी है ना तो फौरन उठ खड़े होते हैं, और उठ खड़े होते और ऐसे चलते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके अलावा ये मछलियों के केकड़े को शौक से खाते, 1 घंटे में ये 3 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। इन्हें 1 घंटे में 3 से 5 किलोमीटर का फासला तय करते हैं, और पानी में 1 घंटे में जो है वो 24 किलोमीटर की तेज रफ्तार से जो है रफ्तार से तैरते हैं। ये बड़े और छोटे दोनों किस्म के होते हैं, लेकिन इनको देखकर लोग बहुत पसंद करते हैं। ये बर्फानी इलाके में रहते हैं, इनको ये पसंद है। इनके जिस्म के जो अगला हिस्सा होता है ये व्हाइट, और पिछला जो होता है वो ब्लैक होता है, और ये इतना वजनी होते हैं। लेकिन इनको बर्फानी इलाके में ही रहना पसंद है। इनकी जो जिस्म में मोटी चर्बी की परत बनी होती है जिससे इनको ठंड से इससे हिफाजत होती है इनकी। उनके बाल कितने खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, देखा बच्चों? तो ये है हमारा पेंगुइन। वेरी गुड, शाबाश, आप देख रहे हो और आप बराबर हमको जवाब दे रहे हैं, शाबाश। तो हम ये पेंगुइन बनाएंगे, लेकिन हम आपको इसके स्टेप बताते हैं कि किस तरह से ये फिश खाते हैं। बेटा बराबर, आप लोगों ने पेंगुइन तो बहुत ज्यादा टाइप कर दिए, अब हम इसके जो स्टेप है वो हम आपको मोबाइल में कैमरे के जरिए बताएंगे कि किस तरह से हमको स्टेप लेना है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट स्टेप, जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। फर्स्ट स्टेप है 1, 2 और ये है 3। हम ये स्टेप लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम दूसरा स्टेप लेंगे, हम इसके बाद बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर उसके बाद 4, देखिए ये हमारा 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, ये हम इस तरह से ये पेंगुइन बनाएंगे इंशाल्लाह, और आपको समझ में आएगा इजीली। अब उसके बाद है 6 के बाद है ये है 7, यहाँ पर है 7 स्टेप, 7, 8 और ये 9 में हमारा पेंगुइन कलर के साथ कंप्लीट होता है। तो हम इंशाल्लाह अभी ये बनाएंगे, आप बच्चों इंटरेस्ट से और अच्छे से बनाएंगे, देखेंगे कि आपको किस तरह से। हमको ज्यादा कलर की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी आपको तवज्जो देना। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना बेटा, कुछ बच्चे बहुत सीरियसली दिखाई दे रहे हैं मुझे, ऐसे नहीं है जरा दे। और ये तो एकदम इजी ड्राइंग है, हम आपके लिए स्पेशली इजी ड्राइंग लेकर आए हैं ताकि आप कर सके। अब देखिए यहाँ पर आपने ये देखा वीडियो, हमने आपको इसके लिए ये स्केच दिखाया ताकि आपकी ड्राइंग में आपको मदद मिले और आप खूबसूरती से ये ड्राइंग
बना सके। हाँ बच्चों, हम आपसे अभी बैक कैमरे से पूछते हैं, आप तब तक की जल्दी से अपने ड्राइंग, पेंसिल, फूड और कलर, कलर में हमको ज्यादा कलर नहीं लेना है, इनके लिए जो है चोंच में थोड़ा अलग कलर है, बाकी ब्लैक और व्हाइट, व्हाइट कलर की जरूरत हमको ज्यादा नहीं होती, ब्लैक कलर लेना है। वेरी गुड बच्चों। और उसके अलावा आपके जो भी सेकेंड स्टैंडर्ड के लेसन होते हैं उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। ओके चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, कैमरे के जरिए आप रेडी रहिए। जल्दी से तमाम बच्चे पेंसिल लीजिए, फूट लीजिए। वेरी गुड। और स्टार्ट कीजिए, हम आपसे पूछते हैं, बताते हैं कि किस तरह करना है। सबसे पहले फूट और पेंसिल हाथ में ले लीजिए, फूट और पेंसिल हाथ में लीजिए और उस तरह से हमें करना है। तमाम बच्चों ने फूड पेंसिल हाथ में लिया, शाबाश। क्या क्या टाइप कर रहे हो बच्चों, इस तरह से टाइप नहीं करना है, हमारे सवालों के जवाब देना है। हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों ने पेंसिल और रबर हाथ में लिए, लेकिन तमाम बच्चों ने नहीं लिए। तमाम बच्चों को लेना है पेंसिल और फूड, ताकि हम ड्राइंग आपको इजीली बता सके। एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, तमाम बच्चे एक एक स्टेप से वो ड्राइंग कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर किस तरह से आपको ड्राइंग बनानी है, यहाँ पर दिखाई देगा कि ड्राइंग में किस तरह से आपको ड्राइंग करना है। यहाँ सबसे पहले हम फूट लेंगे और पेंसिल हाथ में लेंगे। हाँ, अब पेंसिल हाथ में लेके हमको सबसे पहले यहाँ देखना है, ये जो है ये हमने सबसे पहले बॉर्डर बनाई है। जल्दी बच्चों बॉर्डर बनाइए, चारों तरफ बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर बनाइए। हम सबसे पहले यहाँ पर ये बॉर्डर ले रहे हैं इस तरह से। ये हमको एक दो लकीर खींचना है बराबर, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक खड़ी और एक आड़ी। हम एक खड़ी और एक आड़ी तस्वीर लाइन खींचेंगे, वो भी हल्की लाइन खींचेंगे, ताकि हमको बाद में मिटाने में आसानी हो। ये हमने हल्की लाइन खींची, इतनी हल्की कि सिर्फ आपको दिखाई दे, आपको दिखाई देना चाहिए। और ये आड़ी लाइन खींचेंगे, हमने दो लाइन अच्छी तरह से खींच दिए, हमने ये दो लाइन खींचे हैं। आपके दो लाइन को ध्यान में रखिए कि ये दो लाइन हमने किस तरह से खींचे सबसे पहले। अब उसके बाद हम आ रहे हैं ड्राइंग की तरफ। चलिए अब तमाम बच्चों ने इतना काम कर दिए, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। तमाम बच्चों ने देखा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यस यस करके लिखिए। और अब तमाम बच्चे, अब हमने दो काम कर दिए, तमाम बच्चों ने किए जल्दी। अब यहाँ पर देखना है, स्टार्ट करें हम ये इस तरह से। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जिस तरह से हमने पहले स्टेप में बताए थे, आपको पहले स्टेप में बताया था ना, यहाँ पर हल्के से पेंसिल से बराबर पेंसिल लेकर हल्के से यहाँ पर जो है ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा, ये आधा सर्कल लंबा जैसा है वो ऐसा सर्कल लेना है, इस तरह से करेंगे। इतना करने के बाद, इतना तमाम बच्चों ने किए हम देख रहे हैं बेटा, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को, तो स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, यस वेरी गुड। कुछ बच्चे तो बहुत परफेक्ट है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पास पास रिस्पांस भी देते हैं, काम भी करते हैं। हमको ड्राइंग करना है, हमको सिर्फ सुनना नहीं है बेटा और देखना नहीं है, बल्कि हमको ड्राइंग करना है। इसलिए हम आपके लिए एकदम आसान ड्राइंग लेकर आए हैं, ताकि आप इजीली कर सको। अब इतना एक स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, फूट लेंगे। अगर आपके पास बड़ी फूट है तो ठीक है, नहीं तो छोटी फूट लेके हम थोड़ा यहाँ से इतना यहाँ पर लंबी लकीर खींचे। देखिए दूसरा स्टेप, जल्दी दूसरा स्टेप कीजिए।
दूसरा स्टेप ये है, तमाम बच्चे इतना स्टेप करने के बाद, एक पहले ये सर्कल हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया बेटा, आप भी पेंसिल से कीजिए, क्योंकि कुछ अगर गलत हो, कुछ लाइन टेढ़ी चली जाए, कुछ शेप गलत हो जाए, तो हम फौरन स्क्रीन पर जो देखते हैं वो मिटा देते हैं, अपने पेपर पे देखते हैं। अब उसके बाद पहला स्टेप हमने ये लिए, दूसरा एक लाइन खींचे लकीर, अब तीसरा जो है हम बता रहे हैं आपको उस तरह करेंगे। चलिए अब तीसरा स्टेप हम बता रहे हैं, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से ये ऐसा लेके, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। हमने इसको बराबर, ये जो हमने लकीर खींचे अंदाजे से, उस हिसाब से यहाँ पर लाइन खींचना है। पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा स्टेप कंप्लीट कीजिए। तमाम बच्चों के कंप्लीट हुए, वेरी गुड, हम देख रहे हैं, माशाल्लाह, यस लिख के भेज रहे, यस लिख के भेज रहे, वेरी गुड तमाम बच्चे। हाँ शेख मरियम, वेरी गुड हुसैन, वेरी गुड अल्शफा, वेरी गुड, वेरी गुड इरशाना, शाबाश। अब उसके बाद हम आ रहे हैं अगली तरफ, अगले स्टेप की तरफ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ, अभी चौथा स्टेप हमारा जो रहेगा, इसके पेट का अगला हिस्सा बनाना रहेगा हमको। अगला हिस्सा जो है, देखिए हम आपको बताते हैं इस तरह से बनाएंगे अगला हिस्सा, बराबर थोड़ा सा गोल करके, अगर गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा सा जो है ना, इतना सा मिटा देना है, ये डबल लाइन नहीं चाहिए। ये हमारा अगला हिस्सा हो गया, देखिए इतना हिस्सा होने के बाद, ये आप देख रहे हैं तमाम बच्चे, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ये स्टेप हो गया, ये हमारा पेंगुइन का सर, ये पिछला हिस्सा बन गया, ये इतना होने के बाद ये अगला हिस्सा हमने बनाया, तमाम बच्चों ने बनाया, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपकी ड्रॉइंग देखेंगे बेटा, वरना हम ये क्लास से नहीं हटेंगे अगर आपकी ड्रॉइंग कम्प्लीट नहीं हुई तो, हम ये क्लास चालू रखेंगे फिर। चलिए अब उसके बाद, अब चौथा स्टेप होने के बाद हम पांचवे स्टेप पे आएंगे, इसके विंग्स बनाएंगे, पर बनाएंगे, जो इनको तैरने में मदद देते हैं, जो हमें देखकर ये जानवर हमें बहुत खूबसूरत लगता है, अपने परों को हाथों की तरह हिलाते हुए चलता है, एकदम छोटे बच्चे की बोने की शक्ल में आपने देखा है ना इसको चलते हुए, तो अब हम इसके पर बना रहे हैं। यहाँ पर जो है, ये बीच में जो हमने चौरस लाइन खींची थी उससे यहाँ पर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर से पर, ये वन ऐसा लेके और ये ऐसा, ये हमारे इसका पर हो गया, इससे जॉइंट हो गया ये पर। इतना करने के बाद, इतना होने के बाद, हमारा पर होने के बाद, अभी हम उसके आगे आते हैं, ये पर, अब उसमें, अब हमारी एक चीज और है, यहाँ देखिए कि ये जो बीच में लकीर खींचे हमने, तमाम बच्चे देख रहे, कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं, कीजिए बेटा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो या थोड़ा टेढ़ा बने या थोड़ा सा खराब बने चलेगा, लेकिन आपको ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बनाना है और चलेगा। आज हम थोड़ी खराब ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन हमको आहिस्ते आहिस्ते ड्राइंग अच्छी आएंगी। अब हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, इसका, इसकी आंख ले रही है, आंख, ये हमने आंख इधर लिए, गोल सर्कल बनाए, ये गोल सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल और बनाए, ये देखिए इसकी आंख बना दी हमने, समझे, आंख बनाए। अब उसके बाद हम आ रहे हैं चोंच की तरफ, अब हम इसकी चोंच बनाएंगे। अब चोंच किस तरह बनाएंगे, देखिए ये इधर एकदम नीचे नहीं लेना है, ये इतना हिस्सा छोड़ देना है बेटा, और यहाँ से बराबर ऊपर से, ये ऊपर से बड़ी चोंच, बड़ी चोंच बनाएंगे। ये है हमारा जो है चोंच का हिस्सा, इसका थोड़ी मोटी रहेगी, बारीक नहीं, ये, और इसके बीच में हमने ये लकीर खींचे, ये हो गया हमारी पेंगुइन की चोंच। देखिए नोकदार नहीं बनाएंगे, थोड़े गोल शक्ल रखेंगे, ये हमने बनाया इस तरह से, ये आपने देखे, वन टू, ये जो है इस तरह से, ये छठा स्टेप। अब उसके बाद हम एक काम और करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है इसके
पैर बनाने वाले हैं। पैर भी हम इजी तरीके से बताएंगे ताकि आप कर सके, इजी तरीके से बनाएंगे ताकि आप आसानी से कर सके। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दोनों तीनों लाइन हमारी मिल गई है। अब मिलने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको डरना नहीं है। ड्राइंग बनाने का मतलब ऐसा होता है बेटा कि आप कोई भी ड्राइंग बनाए वो आपकी खूबसूरत ही मानी जाएगी। ये नहीं समझना कि वो बच्चे की ड्राइंग अच्छी है या टीचर ऐसा बना रहे तो हम वैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं सोचना है। अब उसके बाद हम आ रहे हैं इसके पैरों की तरफ। पैर में देखिए, बीच में जो लकीर दिखाई दे रही है, हम जो दो लकीरों को लेकर ड्राइंग बना रहे हैं ताकि हमारी ड्राइंग अच्छी बने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से ये पैर यहाँ पर ऐसा लेंगे वन हल्का सा, और ये है हमारा स्टेप टू देखिए, और ये हमने लिए पैरों को, ये हमारे जूते की तरह पैर बन गए। देखिए इस तरह से आपको करना है, या आप स्क्रीन पर देखते हुए काम करेंगे। यहाँ पर पहला पैर बना दिए, अब दूसरा स्टेप लेना है हमको। उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम बता रहे हैं आपको, ये क्रॉस लाइन लीजिए, एकदम क्रॉस ऐसा, इसके पैर की तरफ ऐसा क्रॉस लाइन लीजिए। क्रॉस लाइन लेने के बाद अब यहाँ पर ये इसकी तरफ से इस तरह लाइन लीजिए। देखिए हम एकदम छोटी छोटी लकीरों के जरिए बता रहे हैं, कोई ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला या बहुत मुश्किल शेप नहीं है, शक्ल नहीं, एकदम इजी। और उसके बाद हमने ये वाला स्टेप को यहाँ पर देखिए ये कर दिए, ये भी स्टेप बन गए, इसका दूसरे पैर बन गए। दो पैर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हमारे दो पैर बन गए हैं। अब उसी तरह से आप ये ड्राइंग को, हमारी कंप्लीट हो गई है, अब ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी हम इसे कंप्लीट नहीं कहेंगे बल्कि इसमें हमें कलर करना बाकी है। अभी हम कलर करेंगे, और कलर में हमको लाल, ग्रीन, येलो, ये सब कलर नहीं लेना है, बल्कि हमको कौन सा कलर लेना है जल्दी से टाइप करके बताइए बेटा, जल्दी टाइप कीजिए, कौन सा कलर लेंगे हम जल्दी बताइए। आप देख रहे हो ना बच्चों, कौन सा कलर लेंगे हम इसके लिए। अब हमको ड्राइंग बनानी है तो हम इसमें कौन सा कलर लेंगे आप बताइए। आप बहुत बिजी है माशाल्लाह बनाने में, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड जिहान, शाबाश जुनेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, हमना असरा असमार, वेरी गुड अंजुम, हाँ लाइबा, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड शाहनवाज। अब आपने इतनी ड्राइंग तो बनाई है, हमें पहले कलर करना है। अभी हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, लेकिन कलर करने से पहले हमको पहले ब्लैक कलर या ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच या पेंसिल से डार्क आउटलाइन करना है। हम डार्क आउटलाइन करेंगे, आप लोग देखिए किस तरह से डार्क आउटलाइन कर रही है पेंगुइन को, देखिए। हाँ बेटा, ये हमने ये ड्राइंग को आउटलाइन की, ये है हमारा चेहरा, इसकी बॉडी का हिस्सा, ये हमने इसकी आउटलाइन की है पेंगुइन को, हमने जो पेंसिल से बनाया ये इस तरह से हम। अब ये देखिए इसके पर हमने ड्राइंग बनाई है, सिर्फ हम उसको आउटलाइन कर रहे हैं, आउटलाइन कर रहे हैं। देखो बच्चों, हम आउटलाइन करके ये इस तरह से पेंगुइन को तैयार कर रहे हैं कलर करने के लिए। ये हमारा पेंगुइन रेडी हो रहा है, ये हमने इसको जो है ड्राइंग के जरिए हमने इसको बनाया, ये हम अपनी बुक में बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर जो है ना, अगर आपके पास डार्क पेंसिल है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको इस तरह से कलर करेंगे। ये हमारा पेंगुइन इस तरह रेडी हो गया है। अब इस पे हमको नाम लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, हमको यहाँ पर नाम लिखना है ताकि हम को मालूम हो कि हम कौन सी ड्राइंग बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे पेंगुइन, पेंगुइन की स्पेलिंग पर पेटा पता है ना आपको, पी ई एन जी
पेंगुइन, पेंगुइन, ये आपने ड्राइंग में नाम भी लिख लिए, उन्वान भी लिख लिए। इसको बहरी परिंदा कहते हैं, हम यहाँ पर बहरी परिंदा लिखते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से बहरी परिंदा यानी समंदरी परिंदा, बहरी, बहर यानी पानी, बहर यानी पानी, बहरी परिंदा। अब आप लोगों ने ड्राइंग कंप्लीट की होगी, उम्मीद करते हैं हम कि आपने ड्राइंग कंप्लीट की होगी। हम देखना चाहते हैं कि ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम कलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम कलर की तरफ आगे बढ़ेंगे और कलर करेंगे। चलिए हम सबसे पहले थोड़ा ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि ब्लैक कलर से कर सकें। उससे पहले ये जो हमने दो हिस्सा करे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर हल्का सा एक थोड़ा सा छोटा सा सूरज बनाएंगे। 1, 2, 1, 2, ऐसा इस तरह से छोटी और एक बड़ी लकीर बनाकर हम अपनी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। हम बड़ी ड्राइंग करके कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा है कि क्या करना है हमको। आधा हिस्सा ड्राइंग का जो कलर का पेज है, हमको पूरी ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए ने ड्राइंग ली। अब हम ले रहे हैं ब्लैक कलर, जैसा आप लोगों ने बताया। शाबाश, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी गुड। पहले ब्लैक कलर को हम हल्के से प्यार से पेंगुइन के पूरे हिस्से में हम कर रहे हैं। बेटा आपके पास ब्लैक कलर है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आप क्या कर सकते हो, पेंसिल का शेड कर सकते हो। पेंसिल से शेड कीजिए। तमाम बच्चे करेंगे बेटा, तमाम बच्चे, ड्राइंग करना है आप लोगों को। कुछ बच्चे कर रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं कर रहे, माशाल्लाह। बच्चों आपका जो ये क्लास है, इसमें हमको काम करना है, हमको सिर्फ देखना नहीं है बेटा। जल्दी जल्दी बनाइए, हम चाहते हैं कि हम आपको देखे और बनाएंगे तो हम आपके लिए और इजी और अच्छी अच्छी ड्राइंग बताएंगे। एकदम आंखों को संभालते हुए हमको कलर करना है, देखिए। और बाद में डार्क करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत है। इसकी स्किन इतनी चमकीली होती है, इतनी खूबसूरत होती है, देखकर जी करता है कि इनको पकड़ ले, हाथ में ले। देख के लोग खुश होते हैं। आपको पता है इसके ऊपर एक मूवी फिल्म भी है, अगर आप जानते हो या आपने देखा होगा कार्टून फिल्म वगैरह तो आपको पता होगी। और ड्राइंग में आपको जो ड्राइंग है मालूम है, ड्राइंग में आपने देखा है कि किस तरह से हमको कलर करना है। कलर में ब्लैक कलर हम कर रहे हैं, एकदम अच्छे से कलर करना है, जरा भी गंदा ना हो। ब्लैक कलर इतना होता है, डार्क होता है कि अगर ये बाहर चला जाए तो अपनी ड्राइंग खराब हो सकती है। चलिए अब हमने ये कलर किए, अब उसके बाद इसको थोड़ा कलर करने के बाद डार्क करेंगे। इसके विंग्स यानी इसके पर जो है, जो पर जो है वो चप्पू की तरह होते हैं, पतवार की तरह होते हैं, जो इसको तैरने में मदद देते हैं। इसके जरिए वो तैरते हैं तो, और इसको ही हाथों की तरह एकदम हिलाते हुए चलते हैं। आपको हमने दिखाया था ना स्क्रीन पे बेटा, वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाइए, हम देख रहे हैं आप बना रहे हैं। इसी तरह से ये हमने इसका ब्लैक हिस्सा कंप्लीट किया है। आपको दोनों हिस्सा कंप्लीट करना है, पूरा चेहरे का भी और पीठ, फेस और पर। देखिए हमने किस तरह से किए, आपको थोड़ा कलर में भी फिनिशिंग लानी है, बराबर इस तरह से कलर करना है। ये कलर होने के बाद हम नेक्स्ट कलर की तरफ जाएंगे बेटा। ये इतना होने के बाद तमाम बच्चों ने इतना किए, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आप डन लिख के भेजिए बेटा, आप डन लिख के भेजिए। अब ये व्हाइट कलर है तो हम, व्हाइट कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास व्हाइट कलर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इसको ऐसा ही रहने दे। लेकिन ये ब्लैक कलर इतना डार्क करना है आपको ताकि अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इसका ये कलर, ये ब्लैक कलर इसकी खूबसूरती है। इससे मालूम पड़ता है अरे ये तो पेंगुइन है, कितना खूबसूरत है। अभी हमारे पास व्हाइट कलर है, अब व्हाइट तो दिखाई नहीं देगा ना बेटा, अगर हम ये व्हाइट कलर कर रहे हैं तो। देखिए व्हाइट कलर भी हमने किए, उस तरह से आपने ये कलर किए, ये व्हाइट कलर हमने
बराबर इस तरह से करना है, ये हमने व्हाइट कलर की है, ये हमको दिखाई दे रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इंशाल्लाह दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा स्क्रीन को जूम करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। अब हमने ये बना दिए, अब उसके बाद ये बनाने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको इसकी चोंच में कलर करना है। चोंच के लिए हम ले रहे हैं इंशाल्लाह व्हाइट, नहीं तो ऑरेंज कलर जो इसकी चोंच में रहता है, देखिए ये वाला कलर, ऑरेंज कलर लेंगे चोंच में करने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं, आप लोग लाइट कलर ले सकते हो जो बना रहे हैं ना। वेरी गुड। कौन नहीं बना रहा है? मुनीफा, आप नहीं बना रहे बेटा? क्यों नहीं बना रहे? हम स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको, आपको ड्राइंग बनानी है बेटा। देखिए हम कुछ बच्चे बना रहे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाए, माशाल्लाह शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम देखिए, हम देख रहे हैं, हमने क्या कहा था कि आपको जब ड्राइंग का रहेगा, ड्राइंग लिखा हुआ हो तो आप ड्राइंग की तैयारी में रहा कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसकी चोंच को हम कलर कर रहे हैं। हाँ, ये चोंच को हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं। देखिए कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, कलर अपने लाइन में, अपने बॉर्डर के अंदर ही रहना चाहिए। हमने इसको चोंच को कलर किया। अब इसी तरह से हमारे क्या बचते हैं, यहाँ पर पैर, पैर को कलर करना है। देखिए ये पैर, पैर को कलर कर रहे हैं हम। ये हमारे पेंगुइन के पैर है जो हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, हमने एकदम इजी तरीके से बनाया बेटा। ये इस तरह से पैर और चोंच को हमने दो कलर कर दिए इस तरह से। तमाम बच्चों ने कलर किए, अभी हम देख रहे हैं। वेरी गुड, ये कलर करना है। और कलर करने के बाद सफाई से, एकदम अच्छे से कलर होने के बाद हम देखेंगे कि बच्चों ने ये कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, तमाम बच्चों ने। अब उसके बाद हमारा एक काम और बाकी है। अभी आपने एक ड्राइंग अभी कंप्लीट नहीं की, जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों। और कौन बाकी है? हम देख रहे हैं दूसरे बच्चे, कैमरा बंद मत कीजिए, आप देखिए, दिखाइए मुझे ड्राइंग, दिखाइए। अब उसके बाद हम आ रहे हैं सूरज की तरफ, सूरज की तरफ हम कलर करने वाले हैं। सूरज में येलो कलर, येलो ये है हमारा सूरज का कलर, उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स कर देंगे। ये हमारे जो है ड्राइंग में सूरज है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद जो है नीचे, ये समंदरी किनारे पे रहते हैं, बर्फ की सील पर, बर्फ पे रहते हैं, तो हम इसको बर्फ की तरह ऐसा भी बना सकते हैं। ये बर्फ, ये है बर्फ पे खड़ा हुआ परिंदा। इसका जो है व्हाइट जो पेंसिल का जो हिस्सा बना हुआ है वो हम मिटा देंगे ताकि हमारी ड्राइंग और खूबसूरत लगे। अब हम ले रहे हैं समंदर का, यानी हमें लेना है पानी का कलर। पानी का कलर किस तरह होता है? हमको पानी का कलर लेना है। पानी कौन से कलर का होता है बेटा? पानी कौन से कलर? वेरी गुड, शाबाश, ब्लू। तो हमने यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर लिए। ब्लू कलर हम ये ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए बराबर पहले बॉर्डर की तरफ कलर कर देंगे। ये हमको ये पूरी ड्राइंग करना है, लेकिन ये इस तरफ इतने हिस्से में, ये इधर नहीं, इतने हिस्से में हमको कलर करना है। इसके अतराफ में कलर कर रहे बेटा। हमारा पेंगुइन रेडी हो गया है, हमारा पेंगुइन यानी बहरी परिंदा, समंदरी परिंदा जो है वो रेडी हो गया है, लेकिन हम ये ड्राइंग को अधूरी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह से आप कंप्लीट करने के बाद, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। देखिए अभी हमने ये है पानी का हिस्सा, पानी का हिस्सा है इसलिए हम थोड़ा डार्क बताएंगे, डार्क कलर से बता रहे हैं, डार्क ब्लू, जबकि हमको और भी देखना है। ड्राइंग बनाने के वक्त हमको कलर के साथ साथ उसके कलर को ध्यान रखते हुए बनाना है। ये हमने इस तरह से लिए, बच्चों दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कलर कर रहे हो बेटा ब्लू कलर। वेरी गुड, तमाम बच्चे ब्लू कलर इसलिए बोल रहे हैं हम ताकि ये परिंदा जो है समंदर के किनारे ही पाया जाता है, और ये समंदर का हिस्सा हम बना रहे हैं।
समंदर का हिस्सा बना रहे, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में भी। और जहाँ ये रहता है बर्रे आजम, अंटार्कटिका वगैरह में भी, वो एरिया भी पूरा बर्फ से ढका होता है, बर्फ में वो रहते हैं और उन लोग वहां पर ही रहते हैं। आपको शायद पता होगा कि बॉम्बे में रानी बाग था, रानी बाग में जो है पेंगुइन आए थे। किसी ने देखा है बेटा वो पेंगुइन? किसी ने देखा है क्या वो पेंगुइन? किसी ने जाकर टिकट निकाल कर वो रानी बाग में, यहाँ पर बताया गया था कि आइए देखिए पब्लिक के लिए, जैसे हम जू में जानवरों को देखने जाते हैं वैसे ही जू में इसका भी इंतजाम किया था। अभी तो नहीं है वो, लेकिन पहले रखा गया था कुछ साल पहले के, देखेंगे। देखिए हमने ये कंप्लीट किए, अब उसके बाद हम आ रहे हैं आसमान की तरफ। आसमान का रंग तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, कौन सा है? नहीं पता? नहीं पता? अरे वेरी गुड, कौन गया था? हाँ अनवर, अनवर उन्निसा, शाबाश। आप गए थे, देखे थे पेंगुइन, छोटे छोटे दिखाई दिए थे ना? हाँ वेरी गुड, हाँ बराबर वहां पर। हाँ पुलिस खड़ी थी, पुलिस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है लेकिन बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो यहाँ बॉम्बे में रहने वाले हैं वो देखे थे। अब हमको आसमान पे लाइट कलर करना है, लाइट कलर जो रहता है ना वो हल्का सा लाइट कलर रहेगा इस तरह से, इसको हमने ज्यादा डार्क नहीं किया, एकदम प्यार से हल्के से करेंगे। ब्लैक कलर पे नहीं जाएंगे, ऑरेंज पे भी नहीं जाएंगे, उसकी चोंच की तरफ नहीं जाएंगे ताकि हमारी जो ड्राइंग खराब ना हो। ये आपको इस तरह से हल्का सा कलर करना है, सिर्फ दिखाना है कि ये आसमान का हिस्सा है, पेंगुइन हमारे सामने खड़ा है किनारे की तरफ और दूर सूरज की रोशनी और सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है ये आसमान है, ये लाइट कलर है आसमान का जो है, और जो डार्क कलर है वो पानी का कलर है, डार्क कलर पानी का है। ये हमने इस तरह से ड्राइंग कंप्लीट की। अब आपको भी ये ड्राइंग कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके कम से कम 2 बार तो आप ये ड्राइंग बनाओगे, 2 बार, ज्यादा नहीं। हम जैसे आपको आंसर 5 टाइम लिखने कहते हैं, हाँ टेबल लिखने कहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ड्राइंग को आपको एटलीस्ट 2 बार तो बनाना है, आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। देखिए ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखिए, देखिए आपने, जल्दी मुझे बताइए कितने लोगों ने ये ड्राइंग कंप्लीट की, जल्दी बताइए ये ड्राइंग कितने लोगों ने कंप्लीट की। स्क्रीन पे हम देखना चाहते हैं बेटा, हम आपके लिए बैठे। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ आसराम, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये गैलेक्सी लिखा हुआ है, बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिशान, वेरी गुड, अनवारुन्निसा, शाबाश, वेरी गुड, वाफिया, माशाल्लाह माशा, फातिमा, शाबाश। देखिए हम क्यों बोल रहे हैं, हम अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको वो ड्राइंग बनानी है। शाबाश फातिमा, वेरी गुड। कलर थोड़ा डार्क कीजिए, कलर थोड़ा डार्क कीजिए, और चोंच में कोई और भी कलर कर सकते हैं। शाबाश मोकनोजिया फातिमा, वेरी गुड। इसी तरह से आपका ये काम है कि आज ये ड्राइंग कंप्लीट करके और हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजेंगे, प्लस आपकी स्कूल के ग्रुप में भी भेजेंगे। ओके बेटा, और हम आपसे यही अगली बार ये ड्राइंग जरूर पूछेंगे कि आपने ड्राइंग कंप्लीट की, कितने बार बनाई, एटलीस्ट 2 बार, यानी कम से कम हमको 2 बार ड्राइंग बनाएंगे तो हमको ये ड्राइंग अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाएंगी। आपको अच्छा लग रहा है ना, इसी तरह से आपको बनाना है। ओके बेटा, तमाम बच्चों ने बनाए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बनाए, शाबाश। हाँ अब हम आपकी ये ड्राइंग व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, हाँ अल्लाह हाफिज।